गुड मॉर्निंग जैन साहब, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गॉडफ्रे फिलिप्स थर्ड टाइम जेम्स में क्वालिफाई हो रहा है। पहले 2021 9 जून को दिया, फिर 2022 मई को दिया 2 मई को, और वहां से देखिए गजब के मूव्स आए हैं। इनफैक्ट 935 के लेवल से पहली बार, फिर 1200 के लेवल से दूसरी बार, और अब 1800 के लेवल्स पे तीसरी बार, और हर बार कंपनी के रिजल्ट्स गजब। और इतना भाव में ग्रोथ आने के बाद भी सिर्फ 14 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, क्योंकि कंपनी 22-23% की कैगर से ग्रो कर रही है। अब कंपनी के बारे में बता दूं, देखिए वैसे हमने देखा कैसा आईटीसी ने धूम मचाई है, हालांकि वीएसटी इंडस्ट्रीज दूसरी वाली वो बहुत ज्यादा नहीं चल रही, बट ये तीसरी वाली कंपनी जो है गॉडफ्रे फिलिप्स, जहां पे हम देखते हैं ब्रांड्स लाइक फोर स्क्वायर, रेड एंड व्हाइट, कैविंडर्स, ये तो इनकी ब्रांड्स है, और साथ में इनका मार्लबोरो के साथ जो मतलब वर्ल्ड क्लास ब्रांड है, वर्ल्ड की बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट सिगरेट ब्रांड्स, उनके साथ फिलिप मॉरिस के साथ इनका एक्सक्लूसिव सोर्सिंग और सप्लाई एग्रीमेंट है, तो उसका एक बहुत बड़ा इनके पूरे रेवेन्यू में इंपैक्ट रहता है। और सबसे बढ़िया बात है, अच्छा खासा मार्केट शेयर इनका इंक्रीज हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये पान मसाला भी बनाती है। एक बार अनिल जी को याद आएगा पान मसाला का जब नाम आया, तो मैंने पान मसाला, जर्दा, माउथ फ्रेशनर्स ये सब भी बनाते हैं। फिर 24/7 जो कि काफी बड़ा ये कन्वीनियंस स्टोर चेन है, तो ये भी कंपनी ओन करती है, कुछ सारे अलग अलग शहरों में इनका वो है, और मतलब 100 करीब अभी कन्वीनियंस स्टोर से ज्यादा ये लोग कंपनी ऑपरेट करती है। और अब मैं फंडामेंटल्स पे और ठीक से आता हूं, तो देखिए सबसे बढ़िया बात है कि 14 के पी मल्टीपल पे है, 17 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 1.5% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड है, 20-22% के लगभग का प्रॉफिट का कैगर है पिछले 3-5 साल में, और पियोत्रोस की स्कोर जिसको मैं देखता हूं पूरा, अगर सारे स्कोर्स देखते हैं फंडामेंटल्स को, तो 9 आ रहे हैं, व्हिच इज लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट आई हैव सीन इन द जेम स्टॉक्स। और दिसंबर 2021 में 117 के पैट के सामने, 117 करोड़ के पैट के सामने 199 करोड़ का पैट, और पिछले दो क्वार्टर्स गजब के गए कंपनी के, पिछले उसमें भी दोहरा शतक लगाई है, मतलब 202 करोड़ कमाए थे सितंबर वाले क्वार्टर में। सो बेसिकली टीटीएम बेसिस पे 650 करोड़ पे कंपनी बैठी है। और प्रमोटर्स में देखिए केके मोदी ग्रुप तो ही है, उनका करीब 29-30% और फिलिप मॉरिस का 25%, और इस तरीके से 72% प्रमोटर्स का है, और FIIs, DIIs मिला के करीब 11-12% के लगभग होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ऊपर का लेवल्स 2150 का दिखाया हुआ, वहां से करेक्टेड है क्योंकि मार्केट्स के साथ स्टॉक्स करेक्ट किए हैं। और सबसे बढ़िया बात है डाउनसाइड रिस्क मुझे कम दिखती है, क्योंकि 1600 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो 2070-2090 के टारगेट के लिए स्टॉक को खरीदना चाहिए। ओके, गॉडफ्रे फिलिप्स, इनके प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी रखते हैं जैन साहब, जैसे आपको बताया भी नाम, काम और ब्रांड के साथ सब कुछ उन्हें पता है, गॉडफ्रे फिलिप्स। जैन साहब एक बार यार टारगेट भी फिर से बताए, मैं मिस कर गया, वो प्रोडक्ट के बारे में इतना मशगूल हो गया कि टारगेट सुनने भूल गया। यस बिल्कुल, 2070-2090 छोटा सा टारगेट है अनिल जी, 1800 का भाव है। इनकी ब्रांड का नाम क्या है जैन साहब? ये देखिए फोर स्क्वायर तो सबने यूज किया हुआ, ये देखिए विल्स नेविकट के पहले अगर कोई पीता तो थोड़ा फोर स्क्वायर पीता है, रेड एंड व्हाइट है, कैविंडर्स है, फिर पान विलास बोल के है इनका पान मसाला, तो ये सारी चीजें हैं। अब बट कंपनी का जो असली चीज है वो है फिलिप मॉरिस के साथ जो इनका टाइप है, मार्लबोरो का जो सिगरेट का ब्रांड है वो, इनफैक्ट वहां पे उनके थोड़े बहुत चैलेंजेस जरूर आते हैं क्योंकि आजकल काफी ग्रे मार्केट्स और ये सब भी चलते हैं, बट स्टिल द कंपनी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, गजब का प्रॉफिट्स और गजब के कैश फ्लो है। ओह गजब, अच्छा पुरानी ब्रांड्स तो बड़ी मजबूत थी हमारे स्कूल कॉलेज के जमाने में, आजकल वो चलती नहीं है लगता है, आजकल विल्स रेड एंड व्हाइट वगैरह का ज्यादा प्रचलन कम हो गया जैन साहब। हाँ मतलब ऐसे हो सकता है, नहीं रेड फोर्थ स्क्वायर तो चलता है अनिल जी, ऐसा नहीं है, और अलग अलग जोन में होता है, कई बार आप बॉम्बे में रहते हो सकता है उस जगह पे ज्यादा नहीं दिखता, जैसे हम लोग आसाम में रहते थे नेविकट, विल्स नेविकट पहले आता था, और बॉम्बे गया था तो मैं बचपन में गोल्ड फ्लेक दिखता था, हालांकि मैं सेवन नहीं करता मगर देखते है ना आसपास। बंसल जी भी किसी चीज का नहीं करते हैं, खाली राय देते हैं। बंसल जी कुछ कहना चाहते, एक मिनट बंसल जी पहले हाथ खड़ा करें, बंसल जी के पास आके फिर कुणाल जी आपके पास आता हूँ। जी बंसल जी, अनिल जी कभी कुणाल जी कुछ बोलने का मौका नहीं छोड़ते आज, जैन साहब अनिल जी मुझे लगा विल्स बोल रहे हैं नेवी कट भूल गए हैं, तो नेवी कट भी उन्होंने ऐड कर दिया है। हाँ। फुल रिसर्च करके आए अनिल जी जैन साहब। अरे वाह क्या बात, जैन साहब की रिसर्च में तो कोई डाउट ही नहीं है, बग्गा साहब ने भी सर्टिफाई किया हुआ इसे। हाँ। जी जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए आपसे एक सवाल है, अनिल जी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जो बिल्कुल सेवन ना करता हो इन चीजों का,
उसको इतनी डिटेल नॉलेज हो सकती है। अनिल जी हमारे ये राकेश जी भी कई बार सिगरेट के बारे में इतना ज्ञान देते हैं और अनिल जी दावा ये करते हैं कि कभी भी इन्होंने सेवन नहीं किया और उसी तरह जैन साहब भी हैं। तो अनिल जी देखिए मैं और आप तो सेवन नहीं करते, हमें तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो इनको इतना ज्ञान हुआ कैसे अनिल जी? नहीं नहीं हो सकता है अनिल जी आप प्रकाश डाले। नहीं नहीं हो सकता है, मैं इस बात में आपसे सहमत नहीं हूँ। जैसे बंसल जी बिल्कुल लीकर को हाथ नहीं लगाते फिर भी सारे प्रोडक्ट की उनको नॉलेज है, वैसे जैन साहब भी बिल्कुल स्मोक नहीं करते उनको नॉलेज है, हो सकती है। मुझे बोलने दीजिए, मैं जब कॉलेज में था ना अपने आप बोलता था आप मोस्ट एक्टिव पैसिव स्मोकर इन द वर्ल्ड, मतलब मोस्ट एक्टिव स्मोकर का मतलब एक्टिव इन्वेस्टिव होता ना, वो आसपास में इतने लोग पी रहे होते तो आपको पूरी नॉलेज हो जाती है थोड़ी। हाँ। उसका भी इन साहब खाली स्मोक से पहचान जाते थे कि ये ब्रांड कौन सी है। चलिए।